Okay, so the question is here, when a ball is thrown vertically upward, it goes through a distance of 19.6 meter. Okay, find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point. Acceleration due to gravity g is 9.8 meter per second square. Okay, so पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो, सपोज दैट कि एक बॉल है और इस बॉल को क्या कर दिया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया जाता है, ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है। होता क्या है, यहाँ पे बॉल को ऊपर की तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, फेंक देते हैं। जाता है कितने हाइट तक, तो इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। 19.6 मीटर के डिस्टेंस को 19.6 मीटर हाइट तक वो जाता है। ठीक है, अब कितने वेलोसिटी से फेंका गया इसे, ये हमें नहीं दिया हुआ है, यू हमें तो पता नहीं है। चलो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, यही यू हमें फाइंड करनी है, यू हमें दिया हुआ नहीं है, यही यू हमें फाइंड करनी है। एंड द टाइम टेकन, और दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कि कितना टाइम टेकन होगा, वहां तक जाने में कितना समय लगेगा। चलिए, तो जो सिचुएशंस गिवन है, हम पहले भी बताए थे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हमें क्या करनी चाहिए कि जो पहले गिवन सिचुएशंस है उन गिवन सिचुएशंस को पहले हमें नोट डाउन करना होगा। सो द गिवन इज, व्हाट इज गिवन हियर, गिवन यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि s इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 19.6 मीटर। ओके, मैक्सिमम हाइट हमें दिया हुआ। चलिए, u हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड u। ओके, एट मैक्सिमम हाइट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जब तुम फेंक रहे होगे, तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, लाइक ये ऊपर जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, जब इसे नीचे आना होगा तो स्टॉप करना होगा कहीं ना कहीं पे, है ना। जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं, जब हमें कार बैक करना होता है तो पहले कार स्टॉप करेंगे, देन कार बैक होगा, है ना, या फिर डायरेक्ट कार बैक हो जाएगा, नहीं ना। तो जैसे किसी बॉल को नीचे से ऊपर हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है कि जब वहाँ पे बॉल जाकर के रुक जाता है एंड देन वहाँ से नीचे ड्रॉप आउट होता है। तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाकर के रुक रहा होता है तो एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। 19.6 इज इट्स मैक्सिमम हाइट, और उस हाइट पे क्या हो जाएगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब एस यू और वी तुम्हें दिया हुआ है। एक चीज और तो हमें पता होना चाहिए, g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। जब किसी बॉल को नीचे से ऊपर हम लोग फेंक रहे होंगे तो बॉल का मोशन तो अपवर्ड होगा, पर इसी बॉल में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा होगा, g नीचे की तरफ लग रहा होगा। यह ध्यान दीजिए, जब बॉल का मोशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन लगे डाउनवर्ड, देन दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, देयरफॉर g विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वी गॉट 4 थिंग्स, 4 चीज़ें हमें पता चल गया है। अब इन चीज़ों से हम लोग क्या कर लेंगे, इन चार सिचुएशन से हम लोग क्या कर लेंगे कि जो u है उस u को फाइंड कर लेंगे। चलो, इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, द सेकेंड वन इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करें, कहीं भी टाइम का जिक्र किया हुआ क्या, कहीं भी टाइम दिया हुआ है क्या, इन सारे सिचुएशंस में कहीं भी हमने टाइम लिखा है क्या, नहीं। तो टाइम कहीं भी हमने यूज नहीं किया, तो इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है हमारा, तो हम इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। हमें कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना होगा, तो v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि यहाँ पे जो हमें चीजें फाइंड करनी, यू फाइंड करना है, यू भी दिया हुआ है और ए एस और वी भी दिया हुआ है, और यही चीज़ हमें पता भी है। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर यूज करने आ गया कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे इन सारे सिचुएशंस को बस पुट कर देते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलेगा, वी गेट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। we will put the situation over here v equals to 0, 0 equals to यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर ही रहेगा प्लस, अब इसे पहले इरेज कर देते हैं, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज, वेर इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द जी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, यही तो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लग रहा है, जी लग रहा है, तो इंटू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस इक्वल्स टू 19.6 मीटर, मीटर 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 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इट विल बी ओके, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 9.8, दिस इज 19.6 मीटर एंड मीटर मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर ओके। अब इसे हम लोग इक्वल्स टू के उधर साइड लेकर के जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 19 पॉइंट, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव रहेगा तो 19.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और u इक्वल्स टू रूट अंडर 19.6 इंटू 19.6, तो ये यहाँ पे 19.6 हो जाएगा, तो 19.6 इंटू 19.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, u इक्वल्स टू 19.6 और मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से हो जाएगा क्या हमारा, मीटर और पर सेकेंड, दिस इज देयरफॉर द u इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इनिशियल वेलोसिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, इन चीज़ों को इरेज करके सेकेंड पार्ट की तरफ लोग बढ़ते हैं, वेयर वी हैव टू फाइंड द टाइम। ओके, सो what will be the time, we got the u, now u equals to 19.6 meter per second, v equals to 0 and we have to find the g equals to -9.8 meter per second squared, and what we have to find, we have to find the t फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग टी फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसी को वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमें टी पता चल जाएगा और t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल्स टू v कितना, 0 माइनस यू 19.6 मीटर पर सेकेंड अपॉन a -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -19.6 मीटर पर सेकेंड अपॉन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी दो टाइम्स में कट जाएगा ये, देयरफॉर द टाइम विल बी, यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं देयरफॉर, इसे इरेज कर देते हैं अगेन, देयरफॉर द टाइम विल बी, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो गया हमारा आंसर। क्लियर, hope this answer clear your queries.